हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल झटपट बनने वाला नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना इसको बहुत ही आसान। चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। घर पर अगर मेहमान आ जाते हैं और एकदम से कुछ बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत फ्लफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है और किस किस इंग्रेडिएंट्स की इसके अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, जिसके अंदर बनाना है मुझे बैटर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 चम्मच बेसन। बेसन आप अपने अकॉर्डिंग या आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखे मसाले। तो मसाले जो हैं वो हमें बेसन में ही डालने हैं, तो मसाले आप अच्छे से डालिएगा जितने आपको डालने हों, क्योंकि और दोबारा इसके अंदर मसाले नहीं डलेंगे। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। आप सारे ही मसाले डालिए जो मैं डाल रही हूँ, टेस्ट औसम आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है चाट मसाला और आधे नींबू का रस मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि जो हमारे स्नैक है वो बहुत ही लाइट वेट बने, मतलब वो तेल को बहुत ज़्यादा ना सोखे, क्योंकि हम इन्हें डीप फ्राई करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोई भी बीज ना जाए। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 पिंच मीठा सोडा, जो हमारा खाने का सोडा होता है वो। इससे ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बनेंगे, बहुत फ्लफ़ी बनेंगे, बहुत फूले फूले से। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी, और ना ही तो बहुत ही ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। जैसे चीला होता है ना, उसका बैटर बनाते हैं, उस तरीके का हमें बैटर बनाकर रेडी कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे ले ली है 3 ब्रेड, जिसको कि मैं स्लाइस में लंबा लंबा काट लूँगी। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली हैं, तो मैं इसको 1 ब्रेड के 4 स्लाइस काट लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इनको, इनकी जो थिकनेस है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ज़्यादा थिक मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगी। और छोटी ब्रेड है तो आप उसके सिर्फ 2 टुकड़े कर सकते हैं, या फिर आप उसको स्क्वायर शेप में ले सकते हैं। सारी जो मतलब शेप है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस शेप में लेना है, पर मुझे इसे इस तरीके से स्टिक टाइप में लेना अच्छा लगता है। इस तरीके से खाना भी इजी है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो एक एक ब्रेड स्टिक हम लेंगे, उसको बेसन में डिप करेंगे और उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से कर सकते हैं, और स्पून से कंफर्टेबल है तो बहुत ही इजीली आप स्पून से कर लेंगे। इसके अंदर हमने मीठा सोडा डाला था, उस वजह से आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूले हैं, बहुत अच्छी इनकी शेप आई है। तो मीठे सोडे की वजह से ये फूले हैं। तो जब आपको लगे कि हाँ ये फ्राई हो चुके हैं, इन पे हल्का सा कलर आने लग गया है, तो हम इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारी जो अपनी स्टिक्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, एकदम फूला फूला सा, एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा। मैं इसे आपको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ, आप देखिएगा ये कितने अंदर से, मतलब इनके अंदर हवा भरी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत